हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो, ये बहुत ही प्यारा घोंसला बनाया है चिड़ियों ने और बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय मैं गोवा में हूँ, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि दृश्य कैसा है यहाँ का। और सुबह से बहुत बारिश हो रही है, आजकल मानसून की वजह से कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है, सीज़न ही ऐसा है। आप देख रहे होंगे मेरे इस वीडियो में कितनी बारिश हो रही है। और ये टकलू राम भी यहाँ पे बैठा है। हाय, से हाय मायरू। हेलो हेलो, हाय फ्रेंक इसको। तो बारिश का सभी मज़े ले रहे हैं अभी, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है। और इस समय 9 o'clock हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि आज या तो हम जल्दी उठ गए हैं या तो कुछ अलग बात है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो कुछ डिफरेंट लगता है। और ये सामने से एयरपोर्ट दिख रहा है, देखिए आप मेरे इस वीडियो में कितनी बारिश हो रही है गोवा में। और डेली बारिश होती है, मानसून पूरा बना हुआ है। आज जो मैं इस वीडियो में आपको एक बर्ड के बारे में बताने वाली हूँ, जिस चिड़िया ने मेरे घर में खिड़की में घोंसला बनाया है, इसका नाम है मुनिया और ये स्केली ब्रेस्टेड नाम से जाना जाती है। और ये कि एक छोटा सा पक्षी है जो कि स्पैरो चिड़िया होती है, उससे भी बहुत छोटी होती है। और ये अपने मतलब अपने ग्रुप में रहना पसंद करती है। और भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और अफ्रीका की वैसेज भी मानी जाती है। तो जो ये आप चिड़िया मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है और दिखने में थोड़ा डिफरेंट है। और ये घोंसला देखिए आप, काफ़ी अच्छा बनाया है। जबकि इस घोंसले को बनाने में मैंने इनकी हेल्प करी थी, बिकॉज ये चिड़िया अपने घोंसले बनाने में सक्षम नहीं हो पाती। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सी चिड़ियों के डिफरेंट टाइप के घोंसले होते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ों में बने होते हैं, तो ये ज़्यादा ऊँचे जगहों में या पेड़ों में नहीं बनाती घोंसला। तो 5 फीट की जो झाड़ियाँ होती हैं उसी में इसके घोंसले होते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा घोंसला इन्होंने मेरी खिड़की में बनाया था, जो जिसमें मैंने सोचा कि एक वीडियो इन पशु पक्षियों में चिड़ियों में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चिड़िया आ गई है तो मैंने सोचा बहुत ही खूबसूरत है और वीडियो बनाया जाए। तो आप मैं आपको बताऊंगी ये चिड़िया कितने अंडे देती हैं, इनके अंडे किस साइज़ के होते हैं। और जब इसने पहले अंडा दिया था, ये फर्स्ट डे का अंडा है, जिसमें जिसे देख के मैं बहुत शौक थी कि इतना छोटा अंडा, बिल्कुल मार्बल की तरह, जो मार्बल बॉल होती हैं, कंचे बोलते हैं जिनको, उतने साइज़ के इनके अंडे होते हैं। और ये हमेशा 4 या 5 चिड़ियाँ आती थी। और इनमें नर व मादा जो होती है वो बिल्कुल सेम दिखती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिमिलर होती हैं। और सेकंड डे जो इसने एग दिए वो भी बहुत मैंने कैप्चर करे थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो फिर मेरे मन में एक्साइटमेंट बहुत था कि मैं देखूं ये कितने अंडे देती है। एक्चुअल में हर बर्ड का अपना अपना वे होता है और मुझे काफ़ी जिज्ञासा भी थी और मुझे जानना था, तो एक्साइटमेंट बनी थी। तो मैंने इसमें सर्च भी करी और इसको हर दिन इसको कैप्चर करती गई। तो लास्ट डे मैं आपको दिखाऊंगी ये चिड़िया एक से लेके कितने अंडे देती है। आप मेरी वीडियो में बने रहें अंत तक। ये देखिए, कुछ ऐसी चिड़िया होती है जैसे सब फन करते हैं, ये चिड़िया आती थी, खेलती थी आपस में जैसे बर्ड्स करते हैं। तो पहले दिन से मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि कैसे इन्होंने घोंसला बनाया। और ये फिर 1 month हो गया है जब ये घोंसला ड्राई हो गया। और ये जो घास है ये इस चिड़ियों को खाना बहुत पसंद है। और ये जो घास है इसी को जब ये बच्चे अंडे हो जाते हैं तो ये घोंसले के नीचे उन अंडों को स्पेस चेंज करती रहती है। क्योंकि जब मैं एक दिन वीडियो बना रही थी तो मैंने देखा कि अरे अंडे इधर उधर कैसे हो गए, या कोई बर्ड आया होगा या कौवा वगैरह आया होगा, कुछ खाने की कोशिश करी होगी, बट ऐसा नहीं है। जब मैंने देखा तो इस चिड़ियों ने जब खाने के बाद कुछ बच जाते हैं घास वास, तो ये उनको अंडों के नीचे रख देती हैं। तब मुझे पता चला कि ये चिड़ियाँ ये घास खाती है, क्योंकि मैंने इनको देखा था खाते हुए और अंडों के नीचे भी रखे हुए देखा है। तो आप देखोगे कि कैसे यह जो काम करती है, आती है कि देखती कोई मुझे देख रहा है, क्योंकि क्राउड में रहना ये पसंद नहीं करती, हर कोई डरता भी है। तो ये चिड़िया भी बहुत सहमी सहमी सी थी कि डर रही थी कहीं कोई पकड़ ना ले। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं अंदर से इन्हें बिना डिस्टर्ब करे
इनका वीडियो शूट करने लगे हैं। तो यह अपने अंडों को 12 से 15 दिनों तक सहजती है और भारत में इनकी 5 उपजातियाँ भी पाई जाती हैं। पहली जो है श्वेत पृष्ठ मुनिया, दूसरी श्वेत पंथ मुनिया, तीसरी जो है कृष्णसिट मुनिया और चौथी बिंदुकित मुनिया और पांचवी लाल मुनिया। तो आप देखेंगे कि ये जो चिड़ियाँ हैं कैसे ये एक दूसरे से दूसरों के साथ खेलती है और कितना आनंद लेती है, क्योंकि मौसम भी बहुत ठंडा है और बरसातों में बेचारे कहाँ जाएंगे। अच्छा है क्या कि इन्होंने जो घोंसला बनाया है, तो एटलीस्ट मैं इनकी काफ़ी केयर करती हूँ, बिकॉज़ ये है कि हर चिड़ियों से इनको बचाना होता है। जो जैसे कि जैसे बड़ी बड़ी चिड़ियाँ होती हैं कौवा टाइप कभी आ जाते हैं, तो मैं उड़ाती हूँ जब भी मैं इस रूम में होती हूँ, क्योंकि अब घर में बनाया है तो एक्साइटमेंट तो बना है कि कैसे अंडे आए, फिर अब कैसे इनमें से बच्चे आएंगे, तो बहुत एक्साइटमेंट बना है मेरे लिए। अब पूरा दिन मैं इन्हीं को देखती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि चिड़ियों की एक्टिविटी कैसी होती है, क्या क्या ये करते हैं। बेसिकली मुझे बहुत मज़ा आया। और इसका वैज्ञानिक नाम लॉन्चुरिया पम्पलेट है। ये 3 से 6 अंडे रखती है अपने घोंसले में, 7 व 8 वर्ष तक इसकी आयु होती है और करीबन इसका वजन जो होता है वो 14 ग्राम तक ही होता है। और गौरैया चिड़िया से भी छोटी होती है आकार में, आई मीन 10 या 12 सेंटीमीटर होता है इसका। और अब यहाँ से जब ट्रेन जाती है, हमारा जो व्यू है काफ़ी अच्छा है, प्लेन्स वगैरह उड़ते रहते हैं, तो फ्लाइट हम जब उड़ती है तो हम देखते हैं और ट्रेन्स को भी देखते रहते हैं। तो वीडियो बनाते बनाते वीडियो में आ भी गया है। और ये 3rd डे का अंडा है जब चिड़ियों ने 3 अंडे हो गए थे और कंटिन्यूसली अंडे देती है। पहला दिन 1, फिर नेक्स्ट डे दूसरा अंडा दिया, फिर 3rd डे ऐसी करके, तो बिल्कुल टोटल 6 अंडे देती है। क्योंकि 6 आज मैंने जब चेक किया तो कोई अंडा नहीं था। फाइनल मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया था और मुझे बहुत हैप्पीनेस हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना रही थी, एक्साइटमेंट बना हुआ था और इन चिड़ियों की एक्टिविटी देख के भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो पहला मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जो मैंने चिड़ियों के ऊपर बनाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा जो एक्सपेरिमेंट था बहुत अच्छा था जो मैंने आपसे शेयर करना चाहा। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें 4 अंडे हो गए हैं, क्योंकि अगर मैं चिड़ियों के अंडों को छू के दिखाती या टच करती या हाथ में रख के दिखाती, क्योंकि एक एक्साइटमेंट था। और ये 4th डे जब 4 अंडे हुए तो मैंने जब देखा तो मैं इसको हाथ में रखने की काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई मन में, बट ये था कि अगर मैं उनको टच करती तो चिड़ियाँ अपने अंडे यहीं छोड़ती हैं। आप देख रहे होंगे अब 5 अंडे हो गए। अब मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि कोई भी चिड़ियाँ अपने अंडे छोड़ जाए और मेरे वजह से उनको हर्ट हो और मैं फिर उनकी केयर ना कर पाऊँ, क्योंकि अंडों को जब चिड़ियाँ सेजती है नर व मादा बराबरी से सेजते हैं। अब वो रात को आते थे, दिन में आते थे, अर्ली मॉर्निंग ही इन्होंने जब भी अंडे दिए हैं तो इनके बच्चे अर्ली मॉर्निंग ही हुए हैं। अंडे मैंने हमेशा चेक करती रहती थी 24 आवर्स, तो ये अर्ली मॉर्निंग देती है। तो फिर इनको छेड़ना, इनको नुकसान पहुँचाना मेरे बस का तो नहीं था, तो इसलिए मैंने अंडों को दिखाया नहीं। बहुत ही छोटे अंडे होते हैं इनके, मार्बल की बॉल जो होती है उतने। लास्ट डे इनका अंडा 6 हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा वीडियो भी कंप्लीट हो गया था। और आप देख रहे होंगे मेरे इस वीडियो में, इसलिए मैंने दूर से बनाया है कि इनको टच करूँगी तो ये चिड़िया छोड़ के चल जाएगी और फिर मुझे संभालना नहीं आएगा, एक्चुअली फिर ये ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्या होता है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने अपनी जो विंडो है तो इसमें एक डब्बा रखा है जो कि खाली है, जिससे मैं चिड़ियों को 24 देखती थी कैसे कैसे किया है। और ये मेरी जो खिड़कियां हैं ये स्लाइड शो वाली हैं, तो ये स्लाइड होके खुल जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये अंडों को थोड़ा आपको दिखा दूं, तो आप देखिए कि ये अंडे कितने छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। आपको दिख रहे होंगे इस वीडियो में कि टोटल 6 अंडे हैं। और जो मैंने आपको बताया जो ग्रास है जो खाती है उसी को नीचे भी रखा है इन्होंने। और फाइनली मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया था, क्योंकि अब उसने कोई नेक्स्ट अंडा नहीं दिया था, तो ये 6 ही अंडे देती हैं। और बहुत अच्छा रहा मेरा ये एक्सपीरियंस और इनके बारे में जो रिसर्च करी। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई वीडियोस एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड बाय बाय।